तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 133 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में ऊपर में एक डबल टॉप बॉटम बना है 140 रुपीज का। 140 रुपीज के स्टॉक में देखें तो शॉर्ट टर्म में एक डबल टॉप बॉटम बन चुका है, जहां पर स्टॉक ने 2 बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में नीचे के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 128 रुपीज का। 128 रुपीज पहले तो स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज थी, पर जैसे ही स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया है, अब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक ग्रीन निक लाइन से ऊपर है, स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक एक बार 141 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 128 रुपीज का इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 176 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।